हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का स्वागत है। ये मधुमालती का प्लांट है। इस तरह से फ्लावरिंग हुई थी। इस तरह से मैंने एक ऑयल कंटेनर में ये मधुमालती का पौधा लाई थी, नर्सरी से लगा दिया था और ये पूरा मेरा डबल स्टोरी तक ऊपर तक पहुंच गया था। लेकिन आए दिन बंदर इसको वहाँ पर मैंने एक कील लगा के उसने इसको टांग दिया था तो पूरा ऊपर तक चढ़ गया था। बहुत बुशी, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। लेकिन हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और तो उन्होंने तोड़ दिया। अब मैं इस तरह से रोज़ रोज़ परेशान होने लगी। वैसे तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी ही थी। ये देखिए कितना हार्ड हो गया है, इसके रूट्स कितने ऊपर ऊपर तक आ गए हैं। लेकिन मैं इसकी तैयारी करने के लिए सोचती ही रह जा रही थी कि कैसे करूँ, क्योंकि इसने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठना था, क्योंकि रिपोर्टिंग में टाइम लगता है। और इतना ये हार्ड हो गई इसकी सॉयल कि मुझे अब लास्ट में ये करना ही था। मेरे दिमाग में तो चल ही रहा था कि मुझे ये रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, और ये था कि बारिश ख़त्म होते होते तक मुझे रिपोर्टिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने, जब ये प्लांट छोटा था तो मैंने कॉटन बोरी से उसको सपोर्ट दिया था। इस तरह से मैं घर पर ही अपना बना लेती हूँ स्टिक कॉटन की बोरियों से। और उसको कोई भी प्लांट, चाहे मनी प्लांट हो या कोई प्लांट जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, जो बेल वाले प्लांट होते हैं उनको मैं इसी तरह सपोर्ट दे देती हूँ। लेकिन अभी ये प्लांट तो बहुत लंबा हो गया था मेरा मधुमालती का, और ये इसका कोई मुझे रिपोर्टिंग करनी है तो इसको निकाल देना है। और ये अब छोटा भी पड़ रहा है। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी ऊपर तक, कितनी ज़्यादा डेवलप कर दी हैं रूट। और कुछ टाइम से इसको बार बार पानी दीजिए तो सूख जा रहा था, क्योंकि पूरा नीचे तक तो पानी जा नहीं रह पा रहा था। देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है इसको निकाला। इसीलिए मैं सोचती रह जाती। ये देखिए कितना रूट बॉन्ड हो गया है, कितने सारे रूट्स इसके, इतना पूरा रूट सहित ये बाहर आ गया है। और ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा तो फिर किसी भी प्लांट की ना ग्रोथ रुक जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं हो रही थी, स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन धीमे धीमे इसमें फ्लावरिंग कम हो रही थी। ये देखिए इनके रूट्स कितनी डेवलप कर दी। ये सब एक्स्ट्रा रूट्स हैं। इस सब प्लांट्स को अच्छा सा फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं, क्योंकि हम लोग पूरा इतना रूट बाउंड रहता है कि हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट देते हैं तो वो उनकी मेन रूट तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरह से आप बारिश के बाद से या बारिश ख़त्म होने के पहले ही अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग ज़रूर कर लें। वैसे भी रूट बाउंड हो जाता है ये मधुमालती का प्लांट ना, रूट बाउंड हो जाता है। इसको एवरी ईयर इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी जब हम लोग नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो छोटे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक हैंगिंग प्लांटर के लिए बनाया था तो उसी में ही जा कर के फंस गया है, ये आसानी से निकल नहीं रहा है। और इसको मैं, इसके जड़ों से ना मिट्टी निकल नहीं रही है, इसलिए मैं एक बकेट में हल्दी का पाउडर और फंगिसाइड डाल करके उसको उसी में डिप कर दूंगी, तो आसानी से ये जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो मिट्टी को छोड़ देंगी। क्योंकि हम लोग अगर इसको हटाएंगे ज़बरदस्ती या नोचेंगे तो कट करेंगे तो इनकी जो रूट्स हैं, मेन रूट है ना, वो डैमेज हो जाएगी। फिर हमारा मधुमालती या कोई भी प्लांट जो है वो सूख जाएगा, फिर वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, मर सकता है। इस तरह से आपका कोई भी प्लांट हो ना, तो इस तरह से आप किसी बकेट में पानी डाल दें तो बहुत आसानी से जो भी सॉइल है वो अलग हो जाएगी। और मैं अब इसको, इसकी एक्स्ट्रा जो साइड में ब्रांचेस निकली हैं उनको कट कर दूंगी। और इस प्लांट को भी मुझे कट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ ना, इस तरह से बंदर बार बार तोड़ देते हैं तो मैं अब ऊपर तक नहीं ले जाऊँगी और एक स्टिक पे नीचे तक ही रखूँगी, और उतने में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे ये। इस तरह से मैं सारी इनकी एक्स्ट्रा रूट ब्रांचेस काट दे रही हूँ। और ये तो मतलब बंदरों ने कही है, अच्छा ही किया एक तरह से, क्योंकि मैं आए दिन टाल रही थी कि अब करूँगी तब करूँगी। अब ये देखिए, मैं पान इतना ऊंचा था ना, मैं उसको वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ी देर, हस्बैंड मेरे कहीं जा रहे थे तो मैंने उनसे थोड़ी हेल्प ले ली, और ये इसको आसानी से निकल तो नहीं रहा था। लास्ट में हम लोगों को इसको काटना ही पड़ा, क्योंकि उसमें हम लोग को सोचे थे कि काट लेंगे तो उतना लंबा हमारा रह जाएगा, लेकिन अब इसको यहीं से काट के छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हैंगिंग, जो हैंगिंग प्लांटर के लिए मैंने लगाया था उसमें फंस गया था तो निकल नहीं रहा था। अब ये उसकी बकेट है, इसी में फिर से मैं लगा दूंगी।
और उसके बाद उसके होल पर ढेर सारे कम से कम 1 से 2 इंच तक ना, जो भी आप कोई भी गमले हो या अक्सर होता है घरों में कुछ काम होता है तो जो तोड़ फोड़ होती है ना, तो उसके वो सब टुकड़े होते हैं, तो ये मैं वही डाल रही हूँ। और मैं सभी गमलों में ऐसे ही डाल देती हूँ, ईंटे के टुकड़े हो गए, कोई भी गमले के टूटे हुए टुकड़े हो गए, इस तरह से ये होगा कि रूट बाउंड नहीं होगा। और उसके बाद मैं सूखी पत्तियाँ जो अपने गार्डन की मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, आप सब लोगों को भी ना ड्राई लीव्स इकट्ठा करके रखनी चाहिए। और ये इसमें डाल देने से दो चीज़ें होंगी, एक तो ये धीमे धीमे इसमें कंपोस्ट बन जाएगा, और उसके बाद ये हमारा ना ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा और हमारे दो काम हो जाएंगे गार्डन में। तो सभी के गार्डन में कोई ना कोई लीफ इकट्ठी होती हैं। वैसे तो ये मेरे बैकयार्ड गार्डन में 2 आम के पेड़ हैं, तो बहुत सारी पत्तियाँ गिरती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इनको बोरियों में इकट्ठा कर लेती हूँ। और इस तरह से दो चीज़ें हैं, हम लोग को सॉइल भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी। अब मैं ये सॉइल मिक्स बना कर रखती हूँ, इसमें सब कुछ मिक्स है, वर्मी कंपोस्ट, रेत और जितनी भी चीज़ें हम लोग मिक्स करते हैं, नीम की खली हो गया और फंगिसाइड है, ये सब कुछ इसमें मिला के रखा हुआ रहता है मेरा। ये देखिए इनकी रूट्स देखिए कितनी ज़्यादा डेवलप कर ली, ये सब एक्स्ट्रा रूट्स हैं, इन सबको मुझे कट कर देना है, मैं यहाँ से काट दूँगी। और बहुत ही कायदे से बहुत आराम से, थोड़ा सा भी इधर उधर एक्स्ट्रा कट गया ना तो ये प्लांट मेरा सूख सकता है। ऐसे तो मैं इसको डर डर के ही इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और इसीलिए मुझे समय भी लग गया, सोचती रह गई और आखिर बंदरों ने एक तरह से कहिए मेरी हेल्प ही कर दिया उन्होंने, ना वो तोड़ते ना मैं इसको चेरेस पर लगती, इस काम पर लगती। तो आप भी अपने प्लांट्स को हमेशा चेक करते रहें, और बारिश के टाइम में या बारिश ख़त्म होने से पहले अपने सभी गमलों की रिपोर्टिंग कर दे। जो बड़े प्लांट होते हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं, उनको रिपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इतना ज़्यादा ये एक्स्ट्रा रूट्स इसमें निकल आई हैं कि मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत टाइम लगा इसको सेट करने में। और इसके लिए मैंने एक बहुत लंबी स्टिक ले ली है, आयरन स्टिक है लंबी सी, जो पहले पर्दे के रॉड नहीं आते थे, तो मेरा पुराना रखा हुआ था मेरे स्टोर में, और कॉटन की बोरियां थी। इस तरह से मैं इनको पतली पतली बोरियों को काट ली हूँ, और इस पर पूरे जो रॉड है उसको मैं लपेट दूँगी इस तरह से, रस्सी से, किसी भी तरह की रस्सी हो या फिर जूट की रस्सी हो या कोई भी रस्सी हो, उससे आप इस तरह से बांध सकते हैं। आप खुद घर में ही अपना मॉसी स्टिक बना सकते हैं। थोड़ा सा समय दें, हम लोग बिना खर्च के गार्डनिंग करेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेना मार्केट से तो खरीदना बहुत आसान है, लेकिन घर पे बना के खुद से जो हम लोग DIYs करते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है इसको बनाना। इस तरह से मैं इस पूरे रॉड को, ये 6 से 7 फीट का रॉड है, और इसी पर मैं मधुमालती को सपोर्ट दूंगी, और इसी पर लपेट के नीचे ही रखूंगी। हमारे बंदर बहुत नुकसान करते हैं फ्रेंड, और बार बार टूट जाने से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बार बार तोड़ देते हैं ऊपर से, बहुत नुकसान करते हैं। तो इस तरह से पूरा रस्सी को लपेट के, ये देखिए ये हमारा मॉस स्टिक तैयार होगा। कॉटन की बोरियां हैं तो इनकी रूट्स भी इनके साथ अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, उनको नमी मिलती रहेगी, और उतना एरिया हम लोग को मिट्टी में डालना है, इसलिए उतना एरिया में मैंने ये बोरी को लपेटा नहीं है, उतना एरिया मैंने छोड़ दिया है। जितना लंबा आपका गमला हो उसी हिसाब से अपना देख लें। और फिर मैं अब ये पॉट को मैंने सॉइल से भर लिया है, अब ये मधुमालती को बहुत छोटा नहीं किया है, क्योंकि इतना लंबा हो गया था तो उसके बाद से बहुत छोटा काटने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं इसी को थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़ा सा रस्सियों का सपोर्ट देके बांध दूंगी और उसी पे लपेट दूंगी। इस तरह से ये इसी में अच्छी ग्रोथ करेगा कुछ दिनों के बाद। अभी तो देखिए, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्लांट ये सूखेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही केयर से इसकी रिपोर्टिंग की है। आप लोग भी ध्यान दें, यही इसका मेन बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें ना, तो एक बकेट में अगर आपका सॉयल अच्छे से रूट नहीं छोड़ रहा है, तो एक बकेट में पानी रख के उसमें उसको रख दें, तो धीमे से धीमे 1-2 घंटे में वो अपना सॉयल छोड़ देगा, और आपका रूट्स ख़राब भी नहीं होगा, डैमेज भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने ये अपना रिपोर्टिंग शेयर किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।